हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द स्मिथ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेजिटेबल कटलेट। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें और मेरे रेसिपी पर अपने कमेंट्स जरूर करें। वेजिटेबल कटलेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज आलू को बॉयल करके उसे ग्रेट कर ली हूँ। 4 से 5 बड़ा चम्मच ब्रेड क्रम्स, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर 1-1 छोटा चम्मच मैं यूज करूँगी। काली मिर्च जिसे मैं क्रश करके डालूंगी। 1 बड़ा चम्मच ब्रेड क्रम्स मैं अलग से ली हूँ, इसे आलू को बाइंड करने के लिए मैं यूज करूँगी। नमक टेस्ट के अनुसार, रोस्टेड जीरा का पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला का पाउडर। वेजिटेबल कटलेट में मैं ये वेजिटेबल्स मिक्स करूंगी। मैं बीन्स को छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ, 1 प्याज छोटे टुकड़े में कटे हुए, थोड़ी सी शिमला मिर्च छोटे टुकड़े में कटे हुए और थोड़ी सी धनिया पत्ती जिसे मैं छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। इससे इसका स्मेल बहुत ही अच्छा आता है। ग्रेटेड गाजर, 1 गाजर को मैं ग्रेट कर ली हूँ। थोड़ी सी पनीर जिसे मैं ग्रेट कर ली हूँ। थोड़े से चुकंदर या बीटरूट जिसे मैं ग्रेट कर ली हूँ, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और 2 हरी मिर्च जिसे मैं छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। यहाँ पे मैं फ्रेश मटर ली हूँ। यदि आप फ्रोजन मटर लेंगे तो उसे थोड़ा सा बॉयल कर लें। हाथ में लगाने के लिए रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, जिस 1 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर में मैं 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डालकर मिक्स कर ली हूँ। और वेजिटेबल ऑयल जिसमें मैं कटलेट को तलूंगी। वेजिटेबल कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं ग्रेटेड आलू में 1 गाजर जिसे मैं ग्रेट कर ली हूँ, थोड़ा सा पनीर 50 ग्राम जिसे मैं ग्रेट कर ली हूँ, थोड़ा सा बीटरूट ग्रेटेड और 2 हरी मिर्च जिसे मैं छोटे टुकड़े में काट ली हूँ, 1 प्याज। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स कर लेना है बॉयल आलू के साथ, शिमला मिर्च और ये हरी धनिया की पत्ती और ये मटर। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। मसालों में मैं सबसे पहले 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसे मैं पहले बोलना भूल गई थी। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, अमचूर का पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, रोस्टेड जीरा का पाउडर 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक थोड़ा सा अंदाज से डालें, चाट मसाला में भी थोड़ा नमक होता है, टेस्ट के अनुसार नमक, और 1 बड़ा चम्मच ब्रेड क्रम्स जिससे मैं ये सारे बाइंड करूंगी। मैं थोड़ी सी काली मिर्च जिसे मैं क्रश करके डालूंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आलू के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। अब गैस पे मैं फ्लेम को ऑन पर करके 1 कढ़ाई में रिफाइंड डालकर रखूंगी और इसे मैं शेप दूंगी। कटलेट को शेप देने के लिए सबसे पहले मैं रिफाइंड को हाथ में ऐसे लगा लूंगी और इसमें से 1 छोटा सा टुकड़ा लूंगी और इसे आप जिस शेप का चाहे दें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लंबा शेप, ये देखिए इस तरह एकदम अच्छे से शेप देंगे। और ये कॉर्नफ्लावर जिसे मैं घोल के रखी हूँ, इसे कुछ कुछ देर पर मिला लें नहीं तो ये बैठ जाता है। इसमें हल्का सा अपना कटलेट डुबोंगी और ब्रेड क्रम्स में लपेट कर ये देखिए इसे ऐसे तैयार कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं 1 छोटा सा टुकड़ा लूँगी, ये देखिए इसे शेप दूंगी मैं और इसे कॉर्नफ्लावर में डुबोकर ब्रेड क्रम्स लगाकर। यदि आपके पास अभी ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है
तो आप यहाँ पर सूजी या रवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं सारे वेजिटेबल कटलेट्स को तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पे सारे वेज कटलेट्स तैयार कर ली हूँ। अब इसे मैं तलूँगी। तलने के लिए कढ़ाई में रिफाइंड डालें, उसे अच्छा से गर्म कर लें और एक एक करके कटलेट्स को डालें। बहुत ज़्यादा एक साथ ना डालें और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे तलें। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट कर तलना है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पकाना है और गोल्डन ब्राउन करना है। इसे हम पलट पलट कर चारों तरफ से ब्राउन कर लेंगे। देखिए बहुत हाई फ्लेम पर इसे ना बनाएं, इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। चारों तरफ से कटलेट्स लाल हो गया है। अब इसे हम ऐसे करके प्लेट पे निकाल लेंगे। ये देखिए वेजिटेबल कटलेट एकदम तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट पे निकाल लेंगे और इसी तरह मैं बाकी के कटलेट्स को भी तल लूँगी। ये देखिए मैं अपने वेजिटेबल कटलेट्स को सर्विंग प्लेट पर निकाल रही हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।